Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। प्राइम टाइम की एपिसोड है और ये बड़ा स्पेशल सेगमेंट है, स्पेसिफिक टू कराची। कराची की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई है। आपने देखा कि वो ज़िला और डिवीज़न और पीपल्स पार्टी का स्टांस, दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान और फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, ये सब एक यकजा हो के जुमे के दिन एहतजाज की कॉल, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पूरे मसले को समझने की ज़रूरत है सियासत से ज़रा सा हट कर। तो इसी एंगल से लेकर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कराची से इस वक्त शामिल होंगे इकबाल यूसुफ साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगरचे उनका ताल्लुक है, लेकिन बीइंग कराची आइट उन्होंने बहुत कुछ कहा भी है, लिखा भी है और अपने एनालिसिस भी पेश किए हैं। कराची पेपर्स 1995 में इनकी एक किताब शाया होती है जिसमें कराची के जो शहर के जो मसाइल हैं, उस खत्ते में जो लोकल इशूज़ हैं, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और हमने इसीलिए आज उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे दावत दी है कि वो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सर, हम आपको वेलकम करेंगे और शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इतनी लेट नाइट कराची का। लेकिन चूंकि आज फ्राइडे को आपने देखा कि एहतजाज की कॉल आई है और हर कोई अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहा है, लेकिन असल मसला क्या है, आप जैसे जीरक और दानिशमंद और जो लिखारी और एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, ज़रा कुछ बताएँगे हमें। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है कोई नई नहीं है। अच्छा, इस आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1993 में एक अपना जो मंशूर था, इंतखाबी मंशूर, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाने की बात की थी, यानी डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर इंतजामी तकसीम, ठीक है, शहर की और पूरे सूबे में भी नहीं, पूरे मुल्क के लिए थी वो, और उसके हवाले से इख्तियारात को निचले सतह तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम दिया था, ठीक है। फिर जब गवर्नमेंट आ गई, उस पर अमल दरामद के सिलसिले में काफी काम आगे बढ़ रहा था कि मामला खराब हो गए, ऑपरेशन शुरू हो गया। बात सारी ये है कि इख्तियारात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, ठीक, का निजाम जब तक नाफिज नहीं होगा आप मामला को सुधार नहीं सकते। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत का ये सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने उस वक्त एक नए अमामी मायदे की बात की थी, ठीक है, और उसी हवाले से न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा। जी जी, उस न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादी थीम ये थी कि नीति सतह तक इख्तियारात और वसाइल की तकसीम की जाए, लेकिन हमारे मुल्क का जागीदाराना निजाम, एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती, इसको ये हजम नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जागीदार वडेरा ये समझता था कि अगर निचले सतह से क़यादत उभरेगी तो वो हमें रिप्लेस करेगी। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसीलिए सियासी जमातों के दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे, हमेशा बल्दियाती इंतखाबात जो हुए वो फौजी हुकूमत के दौर में हुए और ये माशाल्लाह में हुए, या जब परवेज मुशर्रफ था जब उसमें हुए। अच्छा, जब परवेज मुशर्रफ हमारे बाद नवाज शरीफ आए, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए और मामला आगे तक बढ़ा। फिर परवेज मुशर्रफ ने जब इंतखाबात कराए तो आपको याद है कि उसने भी निचली सतह पर निजाम को लेके गए थे, जैसे दफा इस तरह कि उन्होंने टाउन सिस्टम, टाउन नाजम बना दिए थे, ठीक है, शहरों में और देहात को। अब जो मौजूदा सूरत हाल उसी सिलसिले का तसलसल है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई या सियासी हुकूमतें आई, हमारे बाद पीपल्स पार्टी के बाद नवाज शरीफ, तो उन दोनों में जो ऊपर की क्यादत है वडेरा जिसमें मुंतखब होता है, MPA समझता था कि अगर बल्दियाती काउंसलर या बल्दियाती चेयरमैन जो है डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो जब उसके हाथ से आवाम तक सहूलतें पहुंचेंगी, वसाइल पहुंचेंगे, तो उस MPA की अहमियत कम हो जाएगी
और इसी तरह एमएनई की हैसियत कम हो जाएगी। उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनकी जेब में तो नहीं जाने थे, वो जाने थे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू अवाम की तरफ, तो लिहाजा उन्होंने उस निजाम को चलने नहीं दिया। लेकिन माजरत के साथ शेख साहब, यूसुफ साहब, माजरत के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी, आप एक्स एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, यानी कि सिंध जिसका दारुल खिलाफत कराची 1995 में जो चीज जो तर्जन जी जी जो आप दारुल खिलाफत कराची है उसका जो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, आप ही की पार्टी के, आप ही के जागीरदार वडीरे एमपी यानी कि कायम अली शाह साहब तक तो हम ये मानते थे कि चले वहाँ पे एक वही पुराना स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है, फिर जब मुराद अली शाह साहब आ गए। यही तो है मेरे मोहतरम जी, अलमिया यही तो है, हमारा क्यादत से इख्तलाफ क्या था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक नहीं था, वो समझती थी। आप न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उठा के देखिए और मेरे 1990 के कालम और मजामिन देखिए, उसी चीज से उन्होंने वो दिया कि हाँ इस नारे को, इस हकीकत को उन्होंने तस्लीम किया। जब जरदारी साहब के पास हुकूमत आई वो उसको आगे ले जाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन चूंकि मैंने जैसा कहा कि इसमें अलमिया हमारा यही है कि जब हम पावर में आते हैं पाकिस्तान पीस पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, जो लीडरशिप होती है वो उन तमाम चीजों को फरामोश कर देती है जहां उनके इख्तियारात कम होते हैं या उनके हाथ से वसाइल किसी और तरफ जा रहे होते हैं, नीचे से तरफ जा रहे होते हैं। इस सियासत हमारी जो जो माहौल है, देखिए वो जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं ना इकबाल साहब, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं वो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि बेसिकली जमाती निज़ाम भी होता है लेकिन जो इलेक्टोरल एक राइडिंग सिस्टम होता है उस इलेक्टोरल राइडिंग में जो शख्स आता है, जो उम्मीदवार आता है, जो पैसा लगा के आता है, जो असर रसूख की बुनियाद पे आता है, जो मालिक और वडेरा आता है, वो फिर अपना जो है वो एक तरह का वोट बैंक को इस्तेमाल करके मेन लीडरशिप को भी एक तरह का प्रेशराइज करता है और वो प्रेशर ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ब्लैकमेल करते हैं, हर एमपीए हर एमएनए ब्लैकमेल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो लीडरशिप फिर उनकी गरगमाल बन जाती है बात मरहले पर आकर। सरदारी की हिकमत अमली ये थी कि खाओ भी और खिलाओ भी, ठीक है, हाँ, सबको खुश रखो। अब अच्छा बिल्कुल, और यही नवाज शरीफ की थे कि सबको साथ लेके चलेंगे, टुकड़े टुकड़े देते रहो, किसी को बड़ा किसी को छोटा, लेकिन और उसके अंदर क्या होता है कि निचली सतह पर क्यादत जो है, निचली सतह पर कारकुन, ग्रास रूट लेवल पर लोग बजन होते हैं और वही बजनी जो है बगावत की तरफ जाती है। हमारा ये अलमिया जहां तक कराची के हवाले से जो आजकल नया इशू शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि 1995 में जब जिला मलीर बनाया गया जी, तो उसकी हिकमत अमली क्या थी, क्यों बनाया गया जिला मली, इसलिए बनाया गया, पहले भुट्टो साहब ने 3 अजला में कराची को तकसीम करके एक मुनज़्ज़म निज़ाम दिया था और ये था कि 3 के बाद इसको डेवलप करने के बाद मजीद अजला बनाए जाएंगे, क्योंकि कराची जब तक दारुल खिलाफत था उसके बाद जैसे दारुल खिलाफत खत्म हुआ तो उसकी हैसियत एक डिस्ट्रिक्ट की होगी। देखिये जिले और डिविजन में बड़ा फर्क है जी, उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, भुट्टो साहब ने उसको डिवीजन का दर्जा दिया, फिर मेट्रोपॉलिटन हुकूमत का तसव्वुर लाने के लिए ग्रेट कराची प्रोग्राम बनाया गया, सब कुछ ये, यानी तमाम तरफ, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को 5 साल और मिल जाते तो कराची दुबई बनता, दुबई नहीं बनता, दुबई कराची बनता, कराची जो है वो दुबई बन जाता। हमारी उस वक्त की प्लानिंग देखें, उस वक्त की आप, यानी आज तो कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है ना, आर्काइव में जाके देख लें 1972 से लेके 1977 तक जुल्फकार अली भुट्टो ने कराची के लिए क्या किया और उसके बाद उसके आगे का प्रोग्राम क्या था। हमारे जुल्फकार अली भुट्टो के प्रोग्राम में तो कराची में वाटर वेज भी बनाने का प्रोग्राम था, ये जो अब नंदी नाले कह रहे हैं कि जनाब कूड़े से भर गए, इन सबको दरियाई मलीर नदी इतनी जबरदस्त जो है जो लियारी में आगे गिरती है, लियारी की जो लगती है, इन सबको वाटर वेज बनाने का प्रोग्राम था, जिस तरह के अमेरिका में है और यूरोपीय मालिक में। बहरहाल वो एक अलग बात है, मौजूदा सूरत हाल में 7वां जिला बनाने की जरूरत इसलिए भी है कि शहर बहुत फैल गया है, ठीक है, आप मर्दमशुमारी की बात ना करें, मर्दमशुमारी के अदाद शुमार पर बैठ के प्लानिंग ना करें, जमीनी हकाइक को तस्लीम करें कि 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है और इसके अंदर 400 बसें नहीं है सरकारी जी, ट्रांसपोर्ट का ही हाल है, हर तमाम चीजें बनाने के लिए ग्रीन लाइन के मंसूबा, इतना अरबों रुपए का मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा था, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से। लेकिन साहब एतराज करने वाले तो ये कहते हैं ना कि एतराज करने वाले तो ये कहते हैं कि वो क्या मलीर दुबई बन गया फिर, जिला की जो तौजी पेश कर रहे हैं। नहीं बना, बन भी नहीं सकता सर, बन भी नहीं सकता। देखें बात सारी ये होती है कि देखिए जब
हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री हुकूमत आती है तो वो कंटेनमेंट्स को मजीद डेवलप करती है, और कंटेनमेंट्स को डेवलप करने के साथ साथ फिर उसके इतराज के इलाकों को डेवलपमेंट करती है। उनका डेवलप होने से कंटेनमेंट भी होता है। देखिए जितने भी कराची में 7 कंटेनमेंट्स हैं, आप कराची एयरपोर्ट से उतरे और आप कराची की तरफ चले तो पहला आपको पूरा का पूरा मलीर कैंट मिलेगा, बिल्कुल कंटेनमेंट बोर्ड, फिर शारा फैसल, जब आप आते हैं तो दाएं बाएं आपके शाह फैसल कंटेनमेंट है जी जी, फिर आगे चले तो सदर कंटेनमेंट शुरू हो गया जी, फिर उसके बाद आपका क्लिफ्टन कंटेनमेंट आ गया जी, फिर कराची कंटेनमेंट आ गया जी, फिर उसके बाद अगर आप वेस्ट में जाए तो मारीपुर कंटेनमेंट आ गया। इतना 7, अब कराची की 40% लैंड जो है वो आर्मी लैंड बनी हुई है, ठीक है, जो आर्मी के कंट्रोल में है। और इसका नतीजा क्या होता है कि कंटेनमेंट के इलाके डेवलप हो जाते हैं और शहरी इलाके डेवलप होने से रह जाते हैं। मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर वो शहरों को थोड़ा बहुत डेवलप करते हैं ताकि नजर आए काम होता हुआ जी जी, और उसमें होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर अगर 30% लोग खा जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट में भी 10-15% खाए जाते हैं, लेकिन ये लगता है पैसा, ठीक है, और उसके अंदर बिल्कुल कोई आप जैसे एक जमहूरी पार्टी के जमहूरी रहनुमा से हम ये इस तरह की अगर मिलिट्री की तौसीफ सुनेंगे तो फिर हम क्या नतीजा लगाएंगे कि फिर जमहूरियत बेहतर है कि अमरीत बेहतर है? तौसीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तौसीफ नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी हिकमत अमली होती है जो फैक्ट्स हैं ग्राउंड के अपने लिए हमदर्दी पैदा करो, ये इनकी सियासी हिकमत अमली है। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ और तौसीफ नहीं कर रहा हूँ, जो नंबर्स बता रहे हैं आप, इनकी सियासी हिकमत अमली होती है कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को बना लो। क्या हुआ था जावलोक ने आने के पहले 79 के जो बल्दियाती इंतखाबात बनाए कराए उसके अंदर वो तमाम लोग उभर के सामने आए। जब उसने गैर जमाती इंतखाबात कराए तो आपने देखा जो लोग काउंसलर थे वो MNA MPA बन गए, बिल्कुल बिल्कुल हुआ ना उनका उसके ग्रास रूट लेवल पर वो कब्जा करने के बाद उनको शामिल करने के बाद एक तो अपने मुगबरीन का जाल बिछा देते और फिर डेवलपमेंट भी करती। मैं उनकी तारीफ और तौसीफ नहीं। अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपने आप नहीं नहीं आपकी बात मैं मान लेता हूँ, और ये भी मान लेता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स अपनी जगह पर रहेंगे। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ साहब चाहे वो आमिर थे, आमिरियत का दौर था, उन्होंने भी एक आई वॉश करने के लिए, लेकिन कुछ भी कह लें इख्तियार और फंड्स का ट्रांसफ़र जो NFC अवार्ड्स हैं या दीगर सूबाई मामलात हैं खजाने के, वो ग्रास रूट लेवल तक पैसे को पहुंचाया, लेकिन उस दौर के खात्मे के बाद से अब तक वो पैसा, आज भी ये शिकवा करते हैं जितने भी मेयर आए हैं, इवन वसीम अख्तर भी यही शिकवा कर रहे हैं कि पैसा नहीं होगा तो हम कैसे डिवाइड इसको डेवलप कर सकेंगे शहर को, तो आप ज़िले बनाते रहें और पैसा ना दें तो फिर कैसे काम चलेगा? परवेज मुशर्रफ कराची आहिस्ता कराची को समझता था, लिहाजा उसने नेमतुल्लाह को फंड प्रोवाइड किए, फराहम किए, और हकीकत ये कि दिल खोल के फराहम किए। सारे जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए वो नेमतुल्लाह के दौर में, ठीक है, परवेज मुशर्रफ की आशीर्वाद से शुरू हुए, मुकम्मल हुए MQM के दौर मुस्तफा कमाल में दुनिया का बेहतरीन मेयर करार देने के लिए। हालांकि MQM ने सिर्फ लेबर आपूर्ति की थी, जितने प्रोजेक्ट तारीख उठा के देख लिया, मैं तो नहीं कह रहा, तो रिकॉर्ड की और बात है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जितने बड़े प्रोजेक्ट थे वो नेमतुल्लाह साहब ने शुरू किए थे, जमात इस्लामी की थी और पीपल्स पार्टी की भी उस जमाने में अक्सरियत थी बल्दियात में, तो दोनों की बहामी मशावरत से हुए, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू नेमतुल्लाह खान मरहूम। फिर जब ये MQM का दौर आया इनको और ज्यादा मिला, और ज्यादा इसलिए मिला कि वो ही समझते थे कि हम निचले सतह पर अल्ताफ हुसैन का मुतबादल पैदा करें शहरी क्यादत की नई क्यादत पे सूरत में, ठीक, वो नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल उसके उस उनकी उस हिकमत अमली से शहर को फायदा पहुंचा, काफी डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ा और मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें मादरत के साथ फिर गैर सियासी कुवतों की मदाखलत ने शहरी निजाम को फिर खराब किया। इसको पकड़ो उसको छोड़ो, नतीजा यह है कि जब आप इस तरह से करते हैं शतरंज के मोहरे की तरह के, कभी प्यादा आगे कभी घोड़ा, तो उसमें अच्छा एक और एतराज़ जो हो रहा है इकबाल यूसुफ साहब, जो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है वो ये कि जो टाइमिंग है, अब जो ये आपकी लोकल सरकार ने, मुराद अली शाह सरकार ने जो ये टाइमिंग सेलेक्ट की है जबकि मेयर वसीम अख्तर और ये इनकी बल्दियात की मियाद ख़त्म होने जा रही है, ऐसे मौके पे इन्होंने लेजिस्लेशन लाकर एक फ़ैसला सादर कर दिया, क्या इस पर कोई ग्राउंड वर्क होमवर्क किया हुआ है या ये भी एक सियासी फैसला है?
हुजूर वाला न सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के मजीद अदला बनाने का की हिकमत अमली और मंसूबा बंदी, जब इज्जतुल आबाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इज्जतुल आबाद गवर्नर थे, उस जमाने भी अजला बनाए गए, कभी इन्होंने शोर नहीं मचाया, हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाई। और ये जो सातवा जिला बन रहा है, सातवा नहीं आठ जिले बनने थे, और इसके अंदर इनकी मेयर साहब की पूरी मशावरत शामिल थी कि हाँ हो रहा है, लेकिन वो कहते थे कि ये वाला भी जिला, ये वाला भी जिला इजाफा कर दे। अब सिर्फ और सिर्फ बोझे माविया में ये लोग जो है उसने कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ना, बिल्कुल बोझूंगा, बात ये है कि जबरदस्ती है, जबरदस्ती है कि किसी ना किसी तरह कोई, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और पीटीआई में, मुस्लिम लीग आउट थी इसमें, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे जा सकते थे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क थे उसने लोगों को दिला दिया था कि कराची के हवाले से क्या हो रहा है। अब आप दुनिया में जो जोराफिया तब्दील हुई, कराची का मसला सिर्फ मकामी नहीं है, इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी। सर मैं इसी तरफ आ रहा था, इकबाल यूसुफ साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था, आप एक जीरक सियासतदान भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, आप दुनिया भी सफ़र करते हैं, आप हमारे शहर टोरंटो भी आते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स जो होते हैं शहर के, जिसको मेट्रोपॉलिटन होती है उसके पास, उसको मेट्रोपॉलिटन के तौर पे लेके चला जाता है, जिस तरह दुनिया में आप लंदन ले लें या दुबई ले लें या टोरंटो ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, तो इस तरह की जो मेट्रोपॉलिटन है इसको बाकायदा इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर जो है चलाया जाता है, चाहे वो फंड्स की बात हो, इख्तियारात की बात हो, और दूसरी बात यह कि वहाँ की जो पुलिस होती है वो उसके अंडर में होती है, जो जितना निज़ाम होता है वो मेयर के पास होता है कंट्रोल। ये नमूना, ये मॉडल जो कि एक सक्सेस है, वो हम अपने शहर पे कराची पे क्यों नहीं लागू कर सकते, आपकी हुकूमतें क्यों नहीं कर पाई? मैंने आपसे कहा ना कि सर शहर की शहरी नुमाइंदगी सिंध असेंबली के अंदर 40% है जी, राइट सर, शहरी नुमाइंदगी 60% दिया की है, 180 मेंबरान 175 मेंबरान में से कितने लोग शहर के और कितने लोग जी, अक्सरियत चूंकि देहात से मुंतखब होकर आती है, अक्सरियत वडेरों और जागीदारों के पास होती है, तो वो शहरी क्यादत को कभी आगे नहीं होती, शहरी मसाइल पर तवज्जो नहीं देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारी व्यापी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ औरों की लीडरशिप की, कि जब ये लोग असेंबलियों में पहुंच जाते हैं तो फ्रॉड बन जाते हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं होता, और बहुत से लोग तो ऐसे बोलते हैं उनको मालूम ही रहता, सिर्फ अपनी अय्याशों से फुर्सत नहीं होती उनको, और वो इस तरह तवज्जो देते। मेट्रोपोलिटन का तस्वुर सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में आगे जा रहा था, मोहतरमा ने वसी इख्तियार के साथ उसको आगे बढ़ाया था फहीमुजमा को, लेकिन चूंकि जागीदार वटेरा ये समझता है कि अगर इनको पावर मिल गई तो ये हमारी मुतबादल क्यादत होंगे, उनकी सीटें उनकी जागीदारियां उनकी वटेराशाही खतरे में पड़ जाती है, लिहाजा इसीलिए कराची से वैसे के अंदर दही और शहरी तकसीम है। ये तकसीम पंजाब में भी है सर, सर वो ठीक है, लेकिन एक कराची के शहरी की हैसियत से मैं अगर आपसे सवाल करूं, या कराची का एक शहरी आज आपसे सवाल करे कि ये अपनी जगह बजा के देही और शहरी तफरीक है और ये वडेरा निज़ाम है, लेकिन अगर एक ऐसा शहर जो कि इस मुल्क को 70% रेवेन्यू 65% रेवेन्यू दे रहा है, पाल रहा है, जो कि रीढ़ की हड्डी है, मईशत है, हब है, फाइनेंशियल हब है, सब कुछ है, उसके लिए जो बड़े बड़े जो पॉलिसी साज जो विफाक में बैठे हुए हैं उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि जो इवन इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी सोचना चाहिए ना कि यार इस शहर की बेहतरी के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू ब्रेक दीज बैरियर्स, इन हदों को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा कि ये हम ब्लैक मेलिंग में ना आए, इस वोट इलेक्टोरल सिस्टम की ब्लैक मेलिंग में ना आए। सर अगर वो सियासी हिकमत अमली इस्तेमाल करें, सियासी जहन इस्तेमाल करें, तो दही और शहरी तकसीम वसी ना होती। मैं अपनी पार्टी की भी एक मीटिंग में लास्ट में एक दफा कहा था कि चलो उस वक्त से कि कराची का उर्दू बोलने वाला जो पीपल्स पार्टी में वो कराची की बात करके आपके सामने बागी बन के ना खड़ा हो जाए, जिस दिन वो बागी बन के खड़ा हो गया तो फिर सब कुछ जो है वो रह जाएगा, ठाट पड़ेगा, चलेगा मंजारा। इसलिए कि जब मैं आज जो है आज जो हालात में देखता हूँ अपने शहर की, तो खून के आंसू होता हूँ कि हमारी पार्टी के आज इतने वसाइल थे, इतनी बड़ी पार्टी हर इलाके के अंदर तंदीम मौजूद, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, चाहे आपका इंतखाबात के रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मुल्क के हर सिटी एरिया सूबाई हल्के के अंदर, जिसको हम जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, डिविजन में, सूबे में, आपकी तंदीमें मौजूद है, लेकिन बेअमल है।
इसलिए बेअमल है कि क़यादत सिर्फ चंद अफराद के हाथ में है और वो फैसले जो करते हैं डिक्टेशन पर मजबूरी इसलिए है कि उन सब के मुंह में निवाला दे दिया। अच्छा, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी अवामी कुव्वत जो एक इंकलाब बरपा कर सकती है, देखिए इकबाल साहब, ये जो हमारे जो लोकल शहरी नुमाइंदगी है, जो शहरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या आप समझते हैं कि ये कोई और सियासी जंग लड़ रहे हैं या इनको वाकई शहर से मोहब्बत है और वो कोई मिलजुल कर बैठ के बामी मफादात से टेबल पर बैठ के एक कोई एमिकेबल सोलूशन और बेहतरी की जानिब कोई मिलके एग्रीमेंट एक कर लें मुत्तफिका तौर पे। सर आपको याद होगा मैंने आपसे भी एक जुमला कहा था कि कराची की तमाम तर सूरत हाल का ताल्लुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी से भी है। आप मेरा वो इंटरव्यू जो आपने टोरंटो में लिया था और टैग वालों ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान को एक एजेंडे की तकमील के लिए लाया गया वक्त के साथ सब साथ। अच्छा, इसराइल का मसला अचानक शुरू को एक एजेंडा है पाकिस्तान में। देखिए आपको याद होगा कि जब वो जो बड़ा बुश था इराक ईरान की जंग के बाद जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया तो उसके एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दुनिया में दो ही मुमलिकतें हैं जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहती हैं। लफ्ज इस्लामी जमहूरिया से भी दहशत गर्दी की बू आती है। मैं उसका लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूँ जो कुछ उसने कहा था। जी जी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तब्दीली लाई जाए और क्या कि पाकिस्तान मुल्क तो रहे लेकिन इस्लामी जमहूरिया के हवाले से नहीं, ईरान मुल्क तो रहे लेकिन इस्लामी जमहूरिया के हवाले से नहीं। और उसके बाद से जो दहशत गर्दी का तूफान शुरू हुआ और उस तमाम से चला 9/11 तक, 9/11 के बाद जो उसको आप देखें पूरा उसमें वो इस्लामी दुनिया पर मुसलमानों के ऊपर ये दुनिया में तासर जन जाता है कि मुसलमान एक इंतहा पसंद है और जो इस्लामी रियासतें हैं वो दहशत गर्दी की सपोर्ट करती हैं। ये तासर अब जो दुनिया में हालात, उसका कराची से क्या ताल्लुक बना, मुझे समझाएं ना जरा कराची से क्या ताल्लुक बना। कराची सर मैंने आपसे कहा ना आपने गवादा दिया है तो अमेरिका यूरोप की पहली ख्वाहिश है कि कराची का कंट्रोल उनके पास हो, चाइना कहता है कि कंट्रोल हमारे पास हो। बड़ी तो हम तो हाथियों की लड़ाई में गन्ने का खेत बने हुए कराची वाले। अच्छा ठीक, आपने गवादा दिया है वो कहते हैं कराची तो कराची के करीब तेल दरिया से होने की खबरें सुनाई गई, खुशखबरी सुनाई गई, क्यों अचानक वो तमाम प्रोग्राम रोक दिया गया। ये बिल्कुल ये तारीख की उस तारीख का वो दौर याद कीजिए जब अय्यूब खान ने तेल की तलाश शुरू करी तो शहनशाह ईरान ने एक वादा किया कि तुम 50 साल या 40 साल तक इस खत्ते में बलूचिस्तान में तेल नहीं निकालोगे। जी जी जी। और आपको और कंटिन्यू किया उसने, मतलब ये आखिर में मुझे बस इतना बता दीजिए इकबाली साहब, हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल में मैं नहीं जा रहा लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुख्तसर अल्फाज में कि कराची की जो अब ये सिचुएशन मौजूदा है इसके मसाइल का क्या हाल है, आप कैसा समझते हैं? सर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करके सिंध में गवर्नर लाद लाने की कोशिश की जाएगी, एक बड़ी खूनरेजी होगी और उसके बाद हतमी फैसला ये होगा कि मरकज और चारों सूबों की हुकूमतें भी खत्म होंगी, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या अल्लाह ना करे हम किसी चंद रोदा जंग में बड़ी मुश्किलात का हमें सामना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध के साबिक जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी इकबाल यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया और ये सारे मसले पे, कराची के मसले पे, ना सिर्फ ये कि उसको मुकामी सतह पे बल्कि ग्लोबली वो क्या इफ़ेक्ट करेगा आने वाले दिनों में, ये शहर क्या किरदार अदा करने जा रहा है और किस किस की इस पे नज़र है। ये प्रोग्राम आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा समझिएगा और इसके पीछे जो अजाइम हैं चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के हों, थिंक टैंक्स के हों, इस्टेब्लिशमेंट्स के हों या हमारी मुकामी वडेरा शाही फ्यूडल निज़ाम के हों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने और हमने आने वाले दिनों में करना है। ये सिर्फ ज़िलों की बात नहीं है और यहीं तक हम आज अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा प्राइम टाइम में, हैव अ ग्रेट इवनिंग। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।